फाइव लेयर बास्केट मैं आपको नीचे रख के दिखाती हूँ ये कैसी लुक दे रही है। तो ये है इसका फाइनल रिजल्ट। होप सो आपको मेरी ये सारी दराज शॉपिंग अच्छी लगी। पूछते हैं कि कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। सारी चीज़ें जैसी शो की थी उस सेम वैसे ही। और मोल्ड्स वगैरह सिलिकॉन मोल्ड्स जो हैं ये तो सबको ही पता है कि ये कितने में। अब इन सब पार्सल को रखते हैं उठा के साइड पर और वन बाय वन हम इसको ओपन करेंगे। लेट्स सी कि हमारे दराज की शॉपिंग कैसी रही। इस तरह हम अपना फर्स्ट पार्सल ओपन करते हैं। लेट्स सी इसमें क्या है। अच्छा ये रिजन बुक मार्क है तो इसको हम डीआईवाई करेंगे, देखेंगे जब हम इसे यूज़ करेंगे फेदर शेप में ही और कैसा इसका रिजल्ट आता है। सेकंड पार्सल देखते हैं इसमें क्या है। ओ ये मैंने बहुत ही क्यूट से मिरर एंड कॉम का ऑर्डर किया था। ये वो दोनों ये भी हमारे रिजन मटेरियल में ही जाएगा। क्या है इसमें भी बहुत क्यूट से बुक मार्क हैं और इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन प्लेन हैं, फ्लावर्स में हैं, फैदर में हैं, ये भी फैदर में है। ये वैसी डिज़ाइनिंग हुई हुई है इसकी, ये अब आपको दिख रहा होगा सही। सेकंड देखते हैं क्या चीज़ है इसके अंदर। ये एक कोस्टर। अच्छा इसमें पंच बटन है। ये किट है पूरी, इसको इसके अंदर असेंबल करेंगे तो जब इसको सेट वगैरह करेंगे सारी टेबल ऑर्गेनाइज़र करेंगे तो फिर इसकी अच्छे से रिव्यू देंगे। ये इसके बटन है, इसका इसकी पंच मशीन और ये इसके लिए बॉक्स दिया हुआ है स्टोरेज। इसमें पता नहीं क्या है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। अच्छा ओ अंदर तक ये कट गया। ये भी फॉइल है गोल्डन सिल्वर एंड रोज़ गोल्ड, ये आप देख सकते हैं। ये सिल्वर कलर है इसका, ये गोल्डन है और ये रोज़ गोल्ड है। ये भी रिजिन में ही यूज़ होगा हमारा, ये भी रिजिन का मटेरियल है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये कटर इतना शार्प है कि ये शॉपर के बजाय अंदर तक का शॉपर काट रहा है। अच्छा ये भी हमारी रिजिन कोस्टर है, टी कोस्टर। ये इसकी दो कोस्टर दी हुई हैं और ये इसकी प्लेट्स वगैरह को ना हैंडल के लिए, मतलब ये इसके हैंडल हैं और ये स्टैंड। तो इसको भी जब हम बनाएंगे तो इसका रिज़ल्ट हम जब देखेंगे। ज़्यादातर मेरे पास मटेरियल रिजन का है और भी हैं, मिक्स हैं, मैं ख़ुद भूल गई क्या क्या है। काफ़ी टाइम से ऑर्डर्स आ रहे हैं तो मुझे कन्फर्म नहीं पता ये क्या है। ओ ये तो मुझे बहुत पसंद है, ये मैं खोलूँगी, खोल के चेक करते हैं इसको कहाँ है इसका एंड। ये रहा, बहुत ही क्यूट क्यूट से हैं ये। टेबल पे भी हम इसको रख सकते हैं और हम इसे अपनी गाड़ी वगैरह में भी लगा सकते हैं। ये देखें ये इसके नीचे जो फिट हैं यहाँ पर, इन्होंने इसके लिए ये डबल साइडेड टेप दिया हुआ है ताकि इससे हम इसको फिक्स कर सकें। तो ये बलून पीछे हो जाएंगे जैसे भी आपको एडजस्ट करना हो। तो ये हैं बहुत क्यूट से लड़का और लड़की। मैंने कोशिश की कि मैं इसको टेबल पे लगा दूं लेकिन ये गिरे जा रहे हैं, तो अब इसको वापस पैक कर देते हैं। इसका टेप भी इसी में ही रख देते हैं ताकि कहीं खो ना जाए, जब इसको सेट करेंगे तो फिर। अच्छा ये भी एक मोल्ड है, वॉश भी इसको बना सकते हैं और ब्रश होल्डर भी बना सकते हैं। देखें ये इसमें स्पेस है
और ये डॉल है, तो ये यहाँ से इसका सारा मटेरियल इसके अंदर जाता है और फिर ये डॉल की शेप में आता है। तो इसको भी हम जब बनाएंगे तो इसका क्यूट सा और ब्यूटीफुल सा रिज़ल्ट देखेंगे। मैं ख़ुद इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये डॉल भी मेरी फेवरेट है और ये दोनों भी, तो मैं इसको इसमें फिक्स करके खड़ा कर देती हूँ। इधर गिरना मत। चलें अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बच रहा है। हाँ, ये मैंने बीट बॉक्स ऑर्डर किया था। ऐसे तो आसानी से मिल जाते हैं बीट, सारे कलेक्ट कर सकते हैं, पर ये बहुत क्यूट सा लग रहा था तो मैंने फिर इसको ऑर्डर किया था, ताकि मैं इसकी मेरा शौक भी पूरा हो जाए और ये मेरे पे बॉक्स भी आ जाए। अक्सर हम चीज़ें बॉक्स के चक्कर में ऑर्डर कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या है। बहुत ही हल्का सा है, देखते हैं क्या है इसमें। आराम आराम से काट रही हूँ ताकि अंदर तक कटिंग ना लगे। पता नहीं क्या है इसके अंदर। बहुत ही ज़्यादा पैकिंग में। अब इसको भी देखते हैं इसके अंदर क्या है। इतने नाजों से क्या भेजा है दराज ने, पता नहीं, अब देखते हैं। ये भेजा है जो कि बिल्कुल ऑलरेडी ख़ुद सॉफ्ट है, इसका कुछ टूटने वाला नहीं है। ये मैंने कमल और जुरकर नैन के मोबाइल पे लगा हुआ देखा था, तो बस मैंने फिर देखा तो मुझे दराज पे दिख गया था, गिर गया, तो मैंने इसको ऑर्डर किया। मैंने कहा ये बड़ा क्यूट सा, ऐसे मोबाइल कहीं भी हैंग हो जाता है तो वीडियोज़ वगैरह के लिए ये यूज़फुल है। इसको यहाँ लगा देते हैं और इसकी दोनों इतनी ज़्यादा सेफ्टी वाली पैकिंग को हम साइड पे रख देते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या है। ये पार्सल मैं कब से जमा कर रही हूँ, आप सोचें मैं कितनी एक्साइटेड होंगी इन पार्सल को खोलने के लिए। और मैंने कहा नहीं, मैं रिव्यू के साथ ये सारे अपने पार्सल जो है वो खोलूँगी। तो ये हैं पॉप सॉकेट, ये भी मैंने रिजिन मटेरियल के लिए मंगवाए थे। रिजिन का मोल्ड मैंने पहले मंगवाया था, वो मैंने ओपन भी कर लिया था, वो काफ़ी पहले मंगवाया था। और ये ग्लिटर हैं दो तरह की, पर्पल एंड ग्रीन, और ये क्यूट से अल्फाबेट हैं। ये भी रिजिन में यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं, इसकी भी कोई ना कोई वीडियो और क्राफ्टिंग वगैरह करेंगे। वैसे इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, डायरी वगैरह में या कहीं भी, ईजीली स्टिक हो जाते हैं ये। तो ये हमारे मेमन फाउंडेशन पर ना छोटे छोटे से बॉक्स मिलते हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है इसके अंदर। तो अभी मैंने बस ये एक ही मंगवाया था अल्फ़ाबेट वाला। और ये पॉप भी, जब हम इससे मोबाइल के पॉप बनाएंगे अलग अलग तरह के, तो क्यूट क्यूट से, तो इसको जब देखेंगे। और ये ग्लिटर भी हमने इसी में ही यूज़ करनी है, डिजाइन के जितने भी मटेरियल हैं इसके अंदर हम ग्लिटर वगैरह, फ्लावर, ड्राई फ्लावर। ओहो, मेरी डॉल गिर गई, मत गिरो प्लीज़। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। हल्का हल्का सा है, ये भी कोई मोल्ड लग रहा है। नहीं नहीं, ये तो फैदर है। ये भी मुझे कब से चाहिए थे, मैंने इसकी सोचा था कोई ना कोई क्राफ्टिंग करूँगी। तो आप ये देखें कितने क्यूट से, कलरफुल से फैदर हैं, और ये बहुत ज़्यादा मुझे रीज़नेबल मिल गए थे। इसकी ये वैसे तो कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये मुझे 300 के अंदर मिल गए थे। ये बहुत ज़्यादा अच्छे, इससे हम ड्रीम कैचर वगैरह बनाएंगे, पेन बना सकते हैं और अलग अलग तरह की क्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो आप देखते हैं इसमें क्या है। बहुत हल्का सा है ये भी, क्या चीज़ है इसमें। अच्छा, इसमें भी ये रिजिन का मोल्ड है। ये होल्डर होता है, जैसे कहना आपने फ़ोटो होल्डर हो गया या फिर जो है मोबाइल होल्डर। वैसे तो ये बहुत ना हल्का सा है, इसके ऊपर मोबाइल होल्ड नहीं हो सकता क्योंकि मोबाइल तो हैवी होता है। तो फ़ोटो होल्डर या हम कोई भी क्यूट से अपना जो है ना कैनवास पर पेंटिंग करके होल्ड कर सकते हैं। बड़े से पार्सल में क्या है। अच्छा, मैंने रिजिन के इतने मोल्ड मंगवा लिए, लेकिन जो मेन चीज़ है रिजिन की, वो ही मैंने नहीं मंगवाई, जो है रिजिन। रिजिन ही नहीं है मेरे पास,
मैंने छोटे से मंगवाए थे डिज़ाइन 100 ml वाले, तो वो हैं। मैं इसकी बड़ी बोतल मंगाऊंगी क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल मोल्ड्स वगैरह हैं डिज़ाइन के, तो ज़्यादा हो तो मज़ा आएगा काम करने में। अभी देखें, ये अल्फ़ाबेट मोल्ड है और ये बहुत ही रिजनेबल मिल गया था मुझे ये भी। ये मैंने काफ़ी जगहों पे देखा था, तो ये मुझे 1100-1200 का मिल रहा था, लेकिन ये दराज पर ऑफ़र लगी हुई थी तो ये मुझे वहाँ से मिल गया था 700 का। लेकिन ये ओवरसीज शिपिंग थी तो ये काफ़ी दिनों में आया था, लेकिन ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप इसका मटेरियल चेक करें और ये देखें इसकी थिकनेस, तो इसके भी हम मज़े मज़े की किचन्स बनाएंगे। मेरी डॉल बार बार गिरे जा रही है क्योंकि मेरी नज़र जो है इस पर, अब नहीं गिरना प्लीज़। अब इसमें देखते हैं क्या है। अंदर तक कट गया। चलें, खैर हमने तो ये सब यूज़ ही करना है। ये भी एक मोल्ड है, ये भी मुझे ऑफ़र में बहुत अच्छा मिल गया, तो दराज पर ऑफ़र लगी हुई थी। ये देखें, ये हार्ट शेप में लेग के, ये ना स्टैंड के अंदर जाएगा, यहाँ से स्टैंड के अंदर जाएगा, तो ये स्टैंड इसके अंदर इस तरीके से होल्ड होगा, हैं इस तरीके से होल्ड होगा। हाँ, जब बनेगा तो जाहिर है ये तो अंदर वाली शेप होगी ना, तो ये इसके अंदर जाएगा, ये इस तरीके से होल्ड होगा, और स्टैंड का जो मटेरियल है वो यहाँ बनेगा इस तरीके से। तो इसको भी हम जब बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा सही हो, इस तरीके से होल्डर बनेगा, फ़ोटो होल्डर। इसके अंदर हम जैसे कि यहाँ पे हैंगिंग भी कर सकते हैं फ़ोटो, और कुछ भी की चेन वगैरह या कोई नेम वगैरह भी लटका सकते हैं, और यहाँ पे साइडों में पूरा अपना मटेरियल जिस तरह का भी डिज़ाइनिंग का करना वो कर सकते हैं। तो ये देखें ये कितना क्यूट सा है, इसको भी मैं बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये भी हम बनाएँगे जब हमारी रिजिन आ जाएगी। अब नेक्स्ट पार्सल देखते हैं कौन सा है। ये है इसमें शायद, एक तो मुझे याद है कि वो है लिपस्टिक होल्डर है, और एक पता नहीं मज़ीद और क्या चीज़ है, देखते हैं। अच्छा, ये कट ही नहीं रहा और बाकी जो थे वो ना डबल डबल कट गए थे। अच्छा, इसमें दोनों ही होल्डर हैं और एक ही लाइट है। ये लाइट थी तो ये मैंने देखा था कि अंधेरे में जो चमकती है ना, ये वो लाइट है, तो इसको जब हम लगाएँगे अपने टेबल पर तो ये अंधेरे में ना मतलब नियॉन की तरह चमकेगी, तो इसको भी लगाकर ही चेक कर सकते हैं। ये भी 100 की मिल रही थी दराज पे। अच्छा, ये दोनों सेम है तो फिर मैं एक ही निकालूंगी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये देखें, ये बहुत ही क्यूट सा होल्डर है। ये यहाँ पे बड़ा पोर्शन दिया हुआ है, ये लिपस्टिक के लिए दिए हैं 12, एक ये दिया हुआ है बड़ा, और ये दो छोटे ब्रश होल्डर या लिप पेंसिल के लिए दिए हैं। लेकिन हम इसको अपनी क्राफ्टिंग वगैरह में भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भी ऑर्गेनाइज़र के तौर पे हमें कोई छोटी छोटी चीज़ रखनी हो तो वो भी हम रख सकते हैं। इस वजह से मैंने ये दो मंगवा लिए थे। ये मुझे 150 का मिला है। अब इस डॉल के पीछे मैं इसको रख देती हूँ ताकि अब ये मज़ीद दोबारा ना गिरे। अब मत गिरना प्लीज़, लास्ट टाइम। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। ये काफ़ी बड़ा पार्सल है, अब इसको खोलने के लिए जगह भी चाहिए, तो एडजस्ट करते हैं। कटर काम गया। अच्छा, इसमें एक बहुत यूज़फुल चीज़ है जो कि वीडियो के लिए तो बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम अभी ओपन करते हैं बाद में, पहले हम दूसरी चीज़ अपनी देख लेते हैं वो क्या है। अच्छा, तो आप लोग गैस करें कि इसके अंदर क्या होगा। चलें 1 2 3 देख ही लेते हैं खुद ही। ये है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल किचन के लिए, क्राफ्टिंग के लिए, ऑर्गेनाइज़र के लिए मार्बल शीट ब्लैक कलर में। ये देखें आपको जैसे दिखे दिख रही है, और ये काफ़ी ज़्यादा है और ये काफ़ी बड़ा रोल है। रोल आप देख रहे हैं कि मोबाइल में पूरा कवर नहीं हो रहा,
तो अब सेकंड कलर देखते हैं, इसका सेकंड कलर क्या है। ये है वाइट, ये आई थिंक प्लेन वाइट है। कलर ना बस खुद नहीं चूज़ कर सकते, अपनी मर्ज़ी से दराज वाले भेज देते हैं। चलें खैर, वाइट भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, और ये वाइट है और ये ब्लैक है, तो ये दोनों देखते हैं हम कहाँ यूज़ करेंगे। तो ये दोनों अब इसमें देखते हैं क्या है, ये साइड पे कर देते हैं शॉपर्स। टेप काट के खोलते हैं, ये है प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन स्टैंड वैसे तो, लेकिन हम इसको अपनी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट वीडियो बनाने के लिए, जैसे कि हम ट्राइपॉड से वीडियो बनाते हैं, ट्राइपॉड को हमें बहुत ज़्यादा सेट करना पड़ता है, अगर हमें ऊपर से फोकस लेना है या साइड से लेना है तो वो कर पाते, तो ये टेबल के ऊपर फिक्स हो जाती है इजीली, और ये ऊपर लाइक यूँ स्ट्रेट एल शेप में चली जाएगी, और मोबाइल आपका बिल्कुल आपके, जैसे कि ये मेरा हाथ है इधर, तो ये अभी मेरी साइड से वीडियो बन रही है तो साइड से वीडियो नहीं बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, मेरे ना हैंड के ऊपर डायरेक्ट फोकस करेगी जो भी मैं वीडियो वगैरह बनाऊंगी। तो ये मुझे स्टैंड बहुत अच्छा लगा था, तो अब इसको खोल के देखते हैं इसकी क्वालिटी वगैरह। इसमें और भी कुछ है, क्या है जो निकलना नहीं जा रहा। चलें, अच्छा ये है इसकी मेन चीज़, ये देख सकते हैं आप जो ये स्पेस है पूरा, तो ये एडजस्ट हो जाएगा इस तरीके से घुमा के, तो जितनी भी मोटी पतली आपकी टेबल की लकड़ी या शीशा होगा ये उसके अंदर फिक्स कर सकते हैं आप, इसको फिर यहाँ लॉक कर देंगे ठीक है। और ये वही मोबाइल होल्डर जो हर ट्राइपॉड में होता है सिंपल, और ये इसका स्टैंड, तो ये स्टैंड इसका इस तरीके से खुलेगा, और ये वाली साइड इसकी यहाँ आएगी, ये टेबल वाली साइड इसमें लगेगी, इसमें लगेगी, अभी तो मैंने इसको लॉक ही कर दिया इसलिए नहीं लग रही ठीक है। इसको करके हम यहाँ लॉक कर देंगे नॉर्मली जैसे हम करते हैं, और ये कहाँ लगेगा मुझे खुद नहीं पता, हाँ ये इसमें लगेगा, ये इसमें लगेगा, ये जिसका गोल सा लट्टू है, लट्टू हो गया इस पर, तो ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, ये वाला रिंग खोल गए, तो इससे जब मैं वीडियो बना के इसको फिक्स करूँगी तो मैं इसके लिए एक अलग से बना दूँगी ताकि इजीली पता चल जाए, और ये बहुत यूज़फुल ट्राईपॉड है, तो ये जो भी वीडियो वगैरह बनाते हैं यूट्यूब पर क्राफ्टिंग की या कुकिंग की वीडियो बनाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बस इसकी प्राइस 1250 है, और इसकी क्वालिटी मटेरियल हर चीज़ इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी हमारे पास क्या है। नेक्स्ट मेरे पास ये वही आइसक्रीम स्टिक्स हैं कलरफुल वाली, तो इसके भी बहुत ज़्यादा अच्छी सी क्यूट क्यूट सी क्राफ्टिंग हो सकती है, तो इससे भी हम क्राफ्टिंग करेंगे, देखेंगे क्या बनाते हैं। और ये वैसे बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजी होती है, मतलब कोई ऐसा मैस नहीं है कि बच्चों के लिए नहीं यूज़ करने का, तो हम इससे भी बनाएंगे क्या बनाते हैं क्राफ्टिंग में, देखेंगे कोई आइडिया वगैरह, तो इसको भी इधर ही साइड में रख। अच्छा तो एक ये मेरे पास ग्लो किट है जो सैंडर्ड होता है उसकी, तो ये आप देख सकते हैं DIY रूम डेकोर, मतलब हम इसे वैसे तो कुछ भी बना सकते हैं, इसके अंदर अलग अलग कलर की मट्टी दी गई उन्होंने बना के, ये सब इसके इंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर क्या क्या है, बोटल्स हैं कैट के साथ, पेंडेंट है और ग्लो स्टैंड है, अच्छा ग्लो वाली है ये जो रात में ग्लो करेगी, कलर ऑफ सैंड है, अच्छा स्टैंड कॉर्ड है, प्लास्टिक पैनल है, डिजाइन टूल है, इजी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, मतलब वही वो तो बनाने वाला देख देख के अपने आइडिया से खुद ही बना देगा। इसके पेपर को देख लेते हैं, इसमें सब इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें सिंपल। अच्छा भाई इसमें देखते हैं क्या क्या है, खाली हो गया ये सारे इसके कलर्स हैं, ऑरेंज रेड ग्रीन एंड ब्लू पैकेट्स बने हुए हैं ये इसके,
और ये इसकी बॉटल्स हैं जिनके ढक्कन इनसे तंग आकर अलग अलग पड़े हुए हैं। इसको तो बनाना ही बहुत क्रिटिकल लग रहा है जिस तरीके के स्मार्ट ये है। एक ये है, एक ये हार्ट शेप में परफ्यूम की बॉटल। और कहाँ गई एक और छोटी सी स्टार, ये। अच्छा, ये इसके साथ छोटी सी ये दी हुई है कुप्पी कीप, और ये दिया हुआ है ये इन्होंने स्पून कि हम इसको अपनी मिट्टी को यूं करके एडजस्ट कर लें, डिज़ाइनिंग बना लें। देखते हैं, लेट्स सी कि ये हमसे सही अच्छा बन पाता है या नहीं बन पाता। नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, अफसोस होगा। और ये क्यों दिया हुआ है धागा मल्टी कलर का, पता नहीं। देखते हैं ये क्यों दिया हुआ है। ये शायद इसलिए दिया हुआ है कि ना हम ये बनाकर तो इसको हैंग करके गले में डाल लें। नहीं, इसलिए दिया होगा कि हम इसको बना के ना कहीं हैंग कर दें। खैर, देखेंगे जब हम इसको बनाएंगे तो इसकी सारी डिटेल्स वगैरह। तो ये तीन इसके साथ जो है ना बोतल्स थी हुई हैं, तो ये तीनों बोतल्स जो एक डाइट पर है, देखते हैं क्या बनता है इससे। इसको वापस पैक कर देते हैं। अनपैक आपके साथ करिए तो पैक भी तो करना है ना भाई, ये सब सामान खुला तो नहीं छोड़ना ना। तो इसको पैक करके वापस बॉक्स में डालेंगे। और इसके बाद मेरा है लास्ट वन और बिग पार्सल। अब इसकी जब कंप्लीट वीडियो एक बनाऊंगी उस पर देखेंगे क्या रिजल्ट निकलता है इस क्राफ्ट बॉक्स का। अच्छा, एक और मजीद पार्सल सामान के नीचे दबा हुआ मिला है, कटर कहाँ गया। इसको खोलते हैं, क्या है इसमें। बटरफ्लाई इसमें है, बटरफ्लाई हेलीकॉप्टर को मैंने बटरफ्लाई कर दिया। अब ये हैं थ्री डी बटरफ्लाइज। इसको खोल के देखते हैं क्योंकि ये मुझे कब से चाहिए थी और ना अब मंगवाई हैं, तो इसका देखते हैं क्या लुक है। एक निकालते हैं बस, स्टिक हो जाएंगी। इसके साथ टेप नहीं दिया, टेप भी तो देना चाहिए था ना। शायद इसके पीछे से कुछ उतरेगा। हाँ, इसके पीछे से शायद, कहीं मैं ख़राब ही ना कर दूँ। नहीं, इसके पीछे से कुछ नहीं उतरेगा। तो फिर ये मैं किसी भी जगह पे जहाँ पर भी मुझे दिल करेगा अपनी टेबल के पास और जहाँ मैं वीडियोस वगैरह बनाऊँगी वहाँ पर मैं इसको लगा दूँगी कि इनको देख देख के मैं मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अच्छा, अपना लास्ट वन पार्सल खोलूँगी जो कि जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एक दफ़ा मैंने इसको ऑर्डर किया तो भाई इसके साथ एनी थ्री में से ऑर्डर किया था मैंने इसको, तो इसके साथ के दो पार्सल आ गए और वो नहीं आया। मैं जब मैंने देखा कि इसकी कैंसिलेशन, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने मैसेज भी किया दराज की चैट में, तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा इसको देख के कि इसके अंदर क्या है। लेकिन फिर भी मैं इसको खुद देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसको खोलते हैं। दोबारा एक बार ये मेरा कैंसिल हो गया, फिर मैं बहुत सैड हुई, तो मैंने कहा चलो दोबारा कर देती हूँ क्योंकि यूज़फुल है और मेरे सामान के हिसाब से मुझे ये चाहिए थी, मुझे इसकी ज़रूरत है। ईजीली सब सामान सामने होगा तो मैं वीडियोस वगैरह भी खुशी खुशी बना लूँगी। अच्छा, अब इसको देखते हैं ये क्या पर्चा निकल रहा है इसमें से। लव लेटर, ये स्टिकर है। ये स्टिकर है, लेकिन हम तो खुद इससे अच्छे स्टिकर बना के लगा देंगे अगर लगाने हुआ, अगर हमने इसको गोला गंडा ही बनाना हुआ तो। खैर, इसको भी हम कहीं यूज़ कर लेंगे, नहीं तो शर्ट का आइडिया ले लेंगे। भाई शर्ट कैसे बनानी है, कुछ खाने पीने का दिल करा तो ये ले लेंगे, हाथ धोने हुए तो इस हैंड वॉश से धो लेंगे। चलें, ये सब था मजाक। अब इसको देखते हैं कि ये क्या हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है या नहीं। ये क्योंकि काफ़ी बड़ी है तो मुझे ना इसको सेट करने के लिए स्पेस भी चाहिए होगा ज़्यादा, पर मैं इसको यहीं पर ही अभी ओपन करती हूँ ताकि आप भी देख सको इसकी क्वालिटी, रिजल्ट, मटेरियल, हर चीज़। अब देखें ये बॉक्स खाली हो गया है गाइस, ये खाली हो गया बॉक्स। इसको हम साइड पे रखते हैं। इस बॉक्स के अंदर हमने जो सारे पार्सल का कचरा खोला है वो डालने के काम आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर हैं ये टायर। वाओ,
ये देखें कितने सॉफ्ट है, मतलब कि ये नहीं लोकल क्वालिटी नहीं है, रोटेट है 360, और ये इसके ग्रिप है। ये इसके अंदर इस तरीके का चार टायर है, ऐसे सेम चार टायर हैं इसके, और ये हुक देने की कोशिश की है उन्होंने और हुक ही है। इसको देखेंगे, इसमें बस हल्की फुल्की कोई चीज़ हैंग कर सकते हैं, वैसे ये काफ़ी मजबूत है, लेकिन देखेंगे इसमें हम क्या अपना मटेरियल वगैरह हैंग कर सकते हैं। इसको साइड पर रखते हैं, कटर भी हटा देते हैं क्योंकि आप कटर का कोई काम नहीं। अच्छा भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ओके तो ये टोटल 16 पाइप है इसके साथ। और आप इसका मटेरियल भी देख लें, सॉफ्ट है, मतलब ये हार्ड वाली प्लास्टिक नहीं और ना ही लोकल वाली है जो कि ये टूटे। तो ये इसके 16 पाइप्स हैं, इसको भी साइड पर रखते हैं। अच्छा जी, तो ये इसके दो हैंडल हैं। वैसे मेरा दिल था कि व्हाइट कलर में ऑर्डर करूँ, मैं व्हाइट कलर में है मेरे पास, लेकिन व्हाइट कलर नहीं आया, ब्लैक आ गया। चलें कोई बात नहीं, ब्लैक भी अच्छा लगता है। अब आते हैं मेन चीज़ पे। तो ये है इसकी बास्केट, ये इसकी चौड़ाई, और ये एक और दो, दो बालिश की है ये, मैं तो छोटी छोटी सी बालिश है, बारह दो बालिश की है, तो इंची टेप के हिसाब से ये होगी तकरीबन 14 इंच। लेकिन ये फाइव बास्केट है, आप ये देख सकते हैं 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5, ये 5 है, लेकिन ये 5 सेम साइज़ की नहीं है, इसके अंदर हाफ हाफ इंच का फर्क है। वो हाफ हाफ इंच का फर्क इसलिए तो ये मतलब रखने में इजी रहेगी, और जब हम इसको लगाएंगे तो इसकी बहुत ही क्यूट से लुक आएगी। तो अभी इसको असेंबल करते हैं, तो चलें पहले देख लेते हैं कि साइज़ के हिसाब से सबसे नीचे कौन सी आएगी, फिर उसके ऊपर कौन सी आएगी, टाइट किस में लगेंगे, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। अब ये देखें, ये इससे इतनी बड़ी है, अब दूसरी इससे छोटी होगी, यस लाइक दिस। अब ये वाली सबसे छोटी है, ये इससे छोटी होगी, ये वाली। वाओ, मैंने खुद ही फर्स्ट टाइम में सारी बराबर सेट कर लिया। अभी इन तीनों का, पांचों का डिफरेंस देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब डिफरेंट है। अब हम इस हिसाब से इसको लगाते हैं। सबसे ऊपर वाले में हम लगाएंगे हैंडल, हैंडल लगाते हैं, बहुत इजी टू यूज़ और इजी टू असेंबल है, मतलब कि कोई ऐसी वो नहीं है कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो ये बन गई है छोटी सी ट्रे, जिसके अंदर मैं अपने गेस्ट को कुछ खाना पीना रख के भी दे सकती हूँ, लेकिन नहीं, जोक। चलिए हम इसको साइड पर रखते हैं, नहीं इसको हम साइड पर नहीं रखेंगे, अब इसमें से ही हम अपने पाइप्स वगैरह लगाने स्टार्ट करेंगे। ये खतरनाक काम है, इससे मेरा मोबाइल भी गिर सकता है, मतलब स्टैंड पर अगर लग गई तो दोनों चीज़ें जाएंगी। अच्छा जी, तो ये देखें, ये अच्छे से फिक्स हो गई है। पता है मेरा क्या दिल कर रहा था, मैंने सोचा कि भाई मैंने इसको बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लिए और पक्का करने के लिए ये जो पाइप्स हैं इनके अंदर गन स्टिक लगा के यहाँ पर, तो फिर इसको फिक्स कर दूँगी, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फिक्स है, मतलब ये अच्छे बने हैं। अब इसके बाद हम ये लगाएंगे, ये सेकंड वाली कैसे लगेगी, हाँ इधर से लगेगी, उल्टी लगा देती है। थोड़ा स्पेस कर लेते हैं इस टोकरी को असेंबल करने के लिए, तो मिलती हूँ मैं आपसे। चलिए मैंने जगह कर ली है, थोड़ा थोड़ा सामान पीछे कर दिया, तो अब इसको ईजिली हम असेंबल कर सकते हैं, क्योंकि ये असेंबल करते करते जाहिर बड़ी हो जाएगी, तो फिर हमारे सामान का भी खतरा है और स्पेस भी नहीं है। तो ये देखें इतनी, इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसको इतनी यूज़ करनी है वो दो दो पार्ट्स में बना ले, लेकिन मुझे तो इसको पूरा ही 5 लेयर्स बनाना है। सेकंड लेते हैं इसकी, 4 पाइप लेंगे, 5 पीस करेंगे, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मजीद हम इस सारे मटेरियल से और बहुत ज़्यादा मटेरियल है उससे हम अच्छी अच्छी क्राफ्टिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, तो अगर मेरा साथ देंगे आपको तो हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं। अब देखें इसके लिए कितनी जगह चाहिए, तो अच्छा हुआ मैंने ये सारा स्पेस सामान थोड़ा सा पीछे कर दिया ताकि मैं इसको ईजिली फिक्स कर सकूं। जब ये पूरी टोकरी बन जाएगी तो मैं इसके अंदर भी अपना सारा सामान ऑर्गेनाइजर करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑलरेडी टेबल पर ही टोकी रखी हुई है, और जब ये कंप्लीट बन जाएगी तो ये और मजीद ऊपर चली जाएगी। चलिए हम बास्केट में तो सब हैंडल मैंने लगा लिया, अब इसमें टाइल लगाते हैं। वाओ, होप सो के इसका ना रिजल्ट सामान का भी अच्छा रहे, ये जैसे क्या ना सॉफ्ट हो गया, जैसे गोल गोल जाती गोल। तो ये देखें रोटेट तो हो रही है 360, अब देखते हैं। ये देखिए आपकी क्राफ्टिंग का सामान आ गया। चलें अब इसको इसमें लास्ट एक हैंडल नीचे गिर किया, अच्छा 4 हैंडल हैं इसके टोटल, सॉरी हैंडल नहीं वो हुक, तो मैं ये लगाकर मिलती हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा मुशक्कत का काम है। तो ये देखें लास्ट वाले भी मैंने ये हैंडल इसमें लगा लिया, और ये कितना स्मूथली और कितना क्यूट लग रहा है, और ईजिली ये हो मोबाइल भी रखे, ईजिली इसको हम इधर उधर कर सकते हैं, कोई भी सामान रखकर, कोई ऐसा मटेरियल जो कि आपकी टेबल के पास मौजूद नहीं है, तो आप इसको ले आओ और ईजिली अपने वीडियो वगैरह बना लो। और ये इसकी हुक है जो कि हम इस तरीके से लगा सकते हैं, कौन सी साइड से, हाँ इधर से लाइक दिस, तो इसमें हम कुछ भी हैंग कर सकते हैं। दिस वन वाओ सो क्यूट, बहुत मज़ा आएगा मुझे ये सब ऑर्गेनाइज करने का। तो मैं ये टेबल, ओ सॉरी ये बास्केट 5 लेयर बास्केट मैं आपको नीचे रख के दिखाती हूँ ये कैसी लुक दे रही है। होप सो आपको मेरी ये सारी दराज शॉपिंग अच्छी लगी होगी, और जो लोग दराज से शॉपिंग करने में या कोई सब मटेरियल लेने में सोचते हैं कि कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, तो ये सब दराज रिव्यू सारी चीज़ें जैसे शो की थी सेम वैसे ही, और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है। तो ये मोल्स वगैरह सिलिकॉन मोल्स चाहिए तो सबको पता है कि ये कितने महंगे मिलते हैं, और ये सब मुझे वहाँ से